यू सो मच आप सभी का. सबसे पहले आप सभी लोगों को तहे दिल से नमस्कार. मैं हूँ इशिता विश्वकर्मा, फाइनली द विनर ऑफ सारेगामा पार 2018 and 2019. और आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा मुझे इतने सारे वोट्स देने के लिए, जिसके कारण मैं इस ट्रॉफी की हकदार बनी. मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ हमारे तीनों जजेस का. सबसे पहले मेरी मेंटर शेखर रवजियानी सर, ऋचा शर्मा मैम और वाजिद सर, जिन्होंने पूरे सीज़न बहुत सपोर्ट दिया मुझे और बहुत ही ज़्यादा मुझे प्रमोट किया. सो थैंक यू सो मच तीनों जजेस का मेरी तरफ से, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए. मैं शेखर सर की टीम में थी. वाजिद सर के गाने मुझे शुरुआत से ही बहुत पसंद रहे हैं, और मैंने पूरे सीज़न में कई गाने वाजिद सर के गाए हैं, क्योंकि इसलिए भी क्योंकि मैं श्रेया घोषाल जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और वाजिद सर के मोस्टली बहुत सारे फीमेल गाने सभी श्रेया घोषाल जी गाती हैं. सो इसलिए मैंने सीज़न में भी बहुत सारे गाने वाजिद सर के गाए थे, जैसे जो आप सभी लोगों ने बहुत सराहे भी थे, तेरे नैना बड़े कातिल और चोरी किया रे जिया, सारे गाने आप सभी ने बहुत सराहे थे. सो वाजिद सर का उनके कॉम्पोजिशंस जो एकदम 5 मिनट 10 मिनट के बनती हैं, वो इतनी हिट है और इतनी फेवरेट है सभी लोगों की, जो आप सभी लोग इतना पसंद करते हैं. सो आई वॉन्ट टू थैंक वाजिद सर कि इतने बड़े मतलब मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्हीं के बनाए हुए गाने उनके सामने मैंने इतने बड़े मंच पर आप सभी लोगों के लिए गाए. सो आई एम फीलिंग ब्लेस्ड. ऋचा मैम का तो सबसे ज़्यादा थैंक यू, क्योंकि ऋचा मैम वो एकमात्र हमारी लेडी जज थी, और जो मुझे हमेशा बैक स्टेज डॉल कहा करती थी, बिल्कुल वो मुझे उन्होंने मेरा नाम ही डॉल रखा था. और ऋचा मैम पर्सनली भी बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट करती हैं, सारी बातें सिखाती हैं. और ऋचा मैम मुझे बैक स्टेज की कहानियाँ मैं बता रही हूँ, बैक सीन्स में वो हमें बहुत सारे वॉइस नोट्स भेज के और गाने सिखाया करती थी कि ये वेरिएशन लो, ऐसा करो. सो आई वॉन्ट टू थैंक ऋचा मैम अलॉट, क्योंकि पूरे जर्नी में उन्होंने मुझे बहुत म्यूज़िकली हेल्प किया. सबसे ज़्यादा थैंक यू तो मैं शेखर सर का बोलना चाहूँगी, क्योंकि जब इस शो में आई थी, जब ऑडिशंस देने के लिए आई थी, तो ऑडिशन राउंड में सबसे ज़्यादा एक सपोर्टिव नेचर, शेखर सर मुझे जानते भी नहीं थे, पर उसके बावजूद कम ऑन ऑल द बेस्ट उन्होंने मुझे ऐसे बोला, और वो फीलिंग उस वक्त इतनी पॉजिटिव थी मेरे लिए और इतनी पॉजिटिव वाइब्स थी शेखर सर की तरफ से मेरे लिए. फिर जब हमारा मेगा ऑडिशंस आया, तो उन्होंने मुझे स्टील गोल्ड मेडल दिया, मतलब किसी और के टीम से मुझे स्टील किया. सो ये मेरे लिए पूरी जर्नी का सबसे बेस्ट पार्ट था, बेस्ट मोमेंट था, जब शेखर सर ने मुझे स्टील किया था. और पूरे जर्नी मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ भगवान का कि मैंने कई मोमेंट्स ऐसे दिए कि शेखर सर को मुझ पर प्राउड हो दैट ही टुक मी ऑन हिज घराना. सो बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई मुझे शेखर सर के टीम में आकर, और शेखर सर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, प्लेबैक की कई सारी टिप्स दी. सो आई फील सो ब्लेस्ड कि इतना बड़ा सम्मान और इतने प्यार से लोगों ने मुझे रखा. यंगेस्ट गर्ल थी मैं सबसे यंगेस्ट पार्टिसिपेंट थी हमारे इस सीज़न की, तो मुझे भी कहीं ना कहीं लगता था कि मैं सबसे छोटी हूँ तो कैसे मैं करूँगी इतनी सारी चीज़ें. बट थैंकफुल टू माय ऑल को कंटेस्टेंट्स, क्योंकि सभी लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, और कभी भी मेरे को कंटेस्टेंट्स ने मुझे ये फील नहीं होने दिया कि मैं उन सबसे छोटी हूँ या कमतर हूँ. सभी ने मुझे बहुत हेल्प की और बहुत कुछ सिखाया. मैंने सीज़न में बहुत कुछ सीखा, और मुझे फिनाले का पार्ट बनाने के लिए आप सभी लोगों ने जो ढेर सारे वोट्स दिए, उस सब के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू, एंड थैंक यू सो मच टू द होल टीम ऑफ सारेगामा पा. फिनाले की बात करो, कब कौन सा लगा था कि टॉप कंपटीशन दे सकता है मुझे गर्ल तो भी काफी अच्छे थे सभी के सभी, चूज करना डिफिकल्ट. टफ कंपटीशन तो
सभी के बीच में था क्योंकि सभी अपने वोट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ चुके थे, सभी लोग अपनी वोट अपीलिंग बहुत ही अच्छे से कर रहे थे, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि विनर तो बहुत दूर की बात है, मे बी सेकेंड या थर्ड में आ सकती हूँ, बट कभी सपने में नहीं सोचा था कि विनर बन जाऊँगी। पर आई वॉन्ट टू थैंक ऑल ऑफ़ यू कि आप सभी लोगों ने मेरे गानों को पसंद किया और मुझे इतना प्रमोशन दिया, थैंक यू सो मच। बहुत ही ज़्यादा ग्रेट फीलिंग थी जब मुझे विनर बनाया गया, बिल्कुल अनबिलीवेबल आउट ऑफ द वर्ल्ड वाली सिचुएशन थी मेरे लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा ऑनर है मेरे लिए। आई एम जस्ट 16 और सिर्फ इतनी सी उम्र में मुझे इतना बड़ा खिताब मिला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और मैं इस बड़े तोहफे का ज़रूर बहुत आगे भी मेहनत करूँगी ताकि ये जो मुझे अवार्ड मिला है वो सार्थक हो सके मेरे करियर के रूप में। प्रिपरेशन की बात करें तो इसके पहले क्या क्या प्रिपरेशन हो रही थी घर पे, यहाँ पे आना है, बड़ा मंच है, इसके बाद? प्रिपरेशन की बात अगर आती है तो मैं आप सभी से शेयर करना चाहूँगी मेरा एक्सपीरियंस। आज से 5 साल पहले मैं सारेगामापा लिटिल चैम्प्स की पार्ट थी और टॉप 12 में एलिमिनेट होकर घर चली गई थी। उस दिन मैंने कसम खाई थी कि अब बहुत मेहनत करूँगी कुछ साल और ज़रूर सीनियर सारेगामापा में लौट कर आऊँगी, और कभी सोचा नहीं था कि ये मैंने कसम खाई थी कि मैं ज़रूर लौट कर आऊँगी और फिनाले का पार्ट बनूँगी, और भगवान ने मेरी इतनी बड़ी विश पूरी कर दी और इतना बड़ा सपना सच में साकार कर दिया कि कुछ सालों में सारेगामापा का विनर बना दिया। सो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ हर किसी का। अच्छा, मॉम डैड का कितना बड़ा हेल्प रहा आपके पूरे जर्नी में, सबसे बड़ा सपोर्ट हमेशा पेरेंट्स का होता है और मैं वो लकी चाइल्ड हूँ जिसको मेरे मम्मी का सपोर्ट, मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट हमेशा से मिला, बहुत ज़्यादा मिला, बहुत छोटे से मिला। सो मैं ये चाहती भी हूँ कि हमारे जितने भी इंडिया में इंडियन सिटीजन्स जो भी हैं सभी प्लीज़ अपने बच्चों को उनके करियर में, उनके पसंदीदा प्रोफेशन में प्रमोट करें, आगे बढ़ने में मदद करें, सपोर्ट करें ताकि वो भी आगे बढ़ सकें और नाम रोशन कर सकें। 5 लाख बड़ी अमाउंट होती है, क्या करने वाले? कुछ प्लान? 5 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है, जो पता नहीं, मैंने तो क्योंकि मुझे विनर की कोई गुंजाइश नहीं थी पर मुझे पता नहीं इतने सारे वोट्स मिले और मैं विनर बनी, ये कैश मनी मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट है, बट मैं चाहूँगी कि मैं ये मेरी मम्मी पापा को दूँ बिकॉज़ मैं अभी इतने बड़े अमाउंट को संभालने के लिए बहुत छोटी हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरी मम्मी सोशली भी बहुत वर्क करती है तो मैं अपनी मम्मी को ही देना चाहूँगी क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी मम्मी इसे एक सही जगह पे ही लगाएंगी। फाइनली, सारे गाने आपके फेवरेट है, कोई एक गाना जो आपके दिल के करीब हो, दो लाइन में? मैंने सीजन में एक गाना गाया था जो आप सभी लोगों ने बहुत सराहा था और सबसे बड़ी चीज़ वो मैंने मेरे मेंटर शेखर सर के साथ गाया था, तो मैं दो लाइनें आप सभी को सुनाना चाहूँगी। जहन से जहन से तुझे चाहूं बेतहाशा, जहन से मेरे करे मेरे हबे तुझे चाहूं बेतहाशा, जहन से तेरे संग बीते हर लम्हे पे हमको नाज है, तेरे संग जो ना बीते उस पे ऐतराज है, इस कदर हम दोनों का मिलना एक राज है, हुआ मीर दिल करे तुझे चाहूं बेतहाशा, जहन से। थैंक यू।